हेलो स्टूडेंट्स, सो इन द कंटिन्यूएशन ऑफ दिस यूनिट एटम्स एंड न्यूक्लियाई, आफ्टर कंप्लीटिंग द चैप्टर एटम, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू चैप्टर, दैट इज चैप्टर 13 न्यूक्लियाई। सो स्टूडेंट्स, ये जो न्यूक्लियाई का चैप्टर है, आपको रदरफोर्ड एटम मॉडल में इतना पता लग चुका है कि जो न्यूक्लियस है वो एटम का सेंट्रल पार्ट है। न्यूक्लियस इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम। तो अब एटम के अंदर जो न्यूक्लियस वाला पार्ट है उसके अंदर क्या क्या है वो हमें इस चैप्टर में देखना है, और किस वजह से न्यूक्लियस का साइज जैसा है उस प्रकार का होता है, और जो न्यूक्लियस की कंपोजिशन है वो क्या है, और व्हाट आर द रीजंस, व्हाट आर द फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस। सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करेंगे, न्यूक्लियस के कंपोजिशन के बारे में स्टडी करेंगे, और एक टर्म होती है मास डिफेक्ट, जो न्यूक्लियस के फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, और उसके बाद न्यूक्लियर फोर्सेस करके ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। मतलब इस चैप्टर के अंदर से काफ़ी टॉपिक्स डिलीट कर दिए गए, मैं आपको ये बता दूं। तो अब जो मैं इस चैप्टर में कवर करूंगा वो रिवाइज्ड सिलेबस के हिसाब से कवर करूंगा। कई टॉपिक्स जैसे बाइंडिंग एनर्जी का टॉपिक है वो रिमूव कर दिया गया, और रेडियो एक्टिविटी को पूरी तरह से इस चैप्टर से निकाल दिया गया है। तो इस चैप्टर में काफ़ी सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया है। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स, आपको कुछ दो यूनिट्स के बारे में मैं बताना चाहूँगा। देखो, मास का यूनिट क्या होता है, न्यूक्लियस की मैं बात कर रहा हूँ, न्यूक्लियस के ऊपर ही हम काम करेंगे, क्योंकि जो एटम का सेंट्रल पार्ट है, पिछले चैप्टर में एटम में बोहर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम में हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम को स्टडी किया, उससे पहले रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में एटम के साइज का कैलकुलेशन हो गया था और न्यूक्लियस का भी पता लग गया था। न्यूक्लियस वॉज डिस्कवर्ड इन रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। तो न्यूक्लियस के अंदर अब क्या क्या है, और कंपोजिशन किस किस तरह का होता है, क्या क्या रिएक्शंस होती हैं, कौन कौन से फैक्टर्स न्यूक्लियस के कंपोजिशन के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं, वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर का नाम है न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई मतलब एक से ज़्यादा न्यूक्लियस। सो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें दो इम्पॉर्टेंट यूनिट के बारे में पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि मास की यूनिट क्या होती है, मास की यूनिट होती है किलोग्राम, ओके। लेकिन यहाँ पर जो हम मासेस डिस्कस करेंगे, जिन मासेस की बात मैं यहाँ पर करूँगा, वो बहुत स्मॉलर मास होंगे, जैसे एटम का मास हो गया, पार्टिकल का मास हो गया, न्यूक्लियस का मास हो गया। तो उसकी एक नई यूनिट होती है, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट होती है न्यूक्लियस चैप्टर के हिसाब से, दैट इज एटॉमिक मास यूनिट, AMU। AMU इज द यूनिट ऑफ मास विच इज यूज्ड इन न्यूक्लियर फिजिक्स। सो इस चैप्टर में मोस्ट ऑफ द टाइम मास विल बी टेकन इन AMU। अब आप कहोगे सर ये AMU क्या होता है, तो AMU क्या होता है, आपने कार्बन का नाम सुना ही है, कार्बन एटम का, कॉमनली फाउंड इन नेचर कार्बन मटेरियल। सो कार्बन का जो कार्बन 12 आइसोटोप होता है, कौन सा आइसोटोप होता है, कार्बन 12 आइसोटोप होता है, कार्बन 12 एटम के मास का जो 1/12 होता है, 1/12 ऑफ वन, 1/12 ऑफ मास ऑफ वन कार्बन एटम इज कॉल्ड 1 AMU। तो 1 AMU की यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है, 1 AMU इज डिफाइंड एज द मास ऑफ 1/12 वन कार्बन एटम। अब आप ये देखो कि कार्बन एटम का मास कैसे निकालेंगे, आपको ये मालूम है कि जो एटॉमिक मास होता है उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, एवोगाड्रो नंबर के इक्वल 6.023 × 10⁻²³। तो 6.023 × 10⁻²³ एटम का मास कितना हो गया, 12 ग्राम। तो 1 एटम के लिए हमने इससे डिवाइड कर दिया, और 1 AMU हमें निकालना है, तो 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 ऑफ मास ऑफ वन कार्बन एटम। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 1/12 इंटू ये एक कार्बन एटम का मास ग्राम में आएगा, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा, 1 AMU इज इक्वल टू 1 U भी इसका सिंबल होता है, दिस इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड एज 1 U, एंड दिस इज इक्वल टू 1.66 × 10⁻²⁷ किलोग्राम। तो 1 AMU में, 1 एटॉमिक मास यूनिट में, जिसको कि हम 1 U भी बोलते हैं, 1.66 × 10⁻²⁷ किलोग्राम के इक्वल होता है।
अब जो न्यूक्लियस के अंदर पार्टिकल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। क्या बोलते हैं हम उनको? न्यूक्लियॉन्स। सो न्यूक्लियॉन्स होते हैं दो तरह के, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, दीज आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज न्यूक्लियॉन्स। सो यहाँ पर प्रोटॉन का मास होता है, मैं एग्जैक्ट वैल्यू लिखा हूँ, अप टू फोर डिजिट आफ्टर डेसिमल, डेसिमल के बाद फोर डिजिट तक वैल्यूज लिखी है। प्रोटॉन का मास 1.6729 × 10⁻²⁷ किलोग्राम, और ये एएमयू में 1.0073 एएमयू, और न्यूट्रॉन का मास 1.674। आप देखो प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास ऑलमोस्ट इक्वल है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास ऑलमोस्ट सेम होता है, न्यूट्रॉन का मास थोड़ा सा प्रोटॉन के मास से ज़्यादा होता है, न्यूट्रॉन इज स्लाइटली हैवियर देन प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन का कितना होता है 1.6743 × 10⁻²⁷ kg और 1.0086 amu। इलेक्ट्रॉन की हमें यहाँ पर बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं आता, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉन इज ए वेरी फेमस पार्टिकल, और इलेक्ट्रॉन का मास तो सबको पता ही होता है 9.1 × 10⁻³⁹ किलोग्राम, और ये amu में आ जाता है 0.00055 amu। ओके स्टूडेंट्स, सो मैंने आपको बता दिया कि एक नई यूनिट भी मास की होती है जो इस चैप्टर के अंदर न्यूक्लियर फिजिक्स में, न्यूक्लियस वाले चैप्टर में यूज होती है, वो होती है amu। और आप ये ध्यान रखें कि 1 amu इज इक्वल टू 1.66 × 10⁻²⁷ किलोग्राम। मतलब अगर कहीं आपको amu को कन्वर्ट करना पड़े किलोग्राम में तो आप इस रिलेशन को लेकर कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या होगा कि मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, तो एनर्जी की भी एक यूनिट होती है। एसआई यूनिट क्या होती है एनर्जी की? एनर्जी की एसआई यूनिट होती है जूल। जूल इज द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी। लेकिन चूंकि न्यूक्लियर फिजिक्स में जो एनर्जी होती है वो पार्टिकल्स की, एटम्स की, न्यूक्लियस की होती है, तो वहां पर स्मॉलर यूनिट यूज होगा, दैट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट का सिंपल सा फंडा है कि भाई इलेक्ट्रॉन इज ए चार्ज पार्टिकल, वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर में मैंने बताया था कि अगर किसी चार्ज पार्टिकल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देते हैं तो वो एक्सेलरेट हो जाता है। एक्सेलरेट होने का मतलब उसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। व्हेन ए पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस ए चार्ज्ड पार्टिकल देन इट गेन्स काइनेटिक एनर्जी बिकॉज इट एक्सेलरेट। तो जितनी एनर्जी वो गेन करता है दैट इज वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब व्हेन वन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वन वोल्ट देन एनर्जी गेन्ड बाई एन इलेक्ट्रॉन इज वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो स्टूडेंट्स ये बहुत ही फेमस यूनिट है एनर्जी की, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये आपको ध्यान रखनी है। एनर्जी हम कैसे निकालते हैं? वर्क डन से। वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज। तो अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस वन वोल्ट का लेता हूँ और चार्ज की जगह इलेक्ट्रॉन, तो ये आ गया वन ईवी। ओके, तो अब E की वैल्यू कितनी होती है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना होता है? 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। इनटू 1 वोल्ट करूंगा तो कितना आएगा? 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल। सो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल। सो एनर्जी ड्यूअल नेचर में भी स्टूडेंट्स, हमने जो ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर पिछली जो यूनिट हमने की थी जिसमें आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट किया था, उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यूज़ करते रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बहुत ही कॉमन यूनिट होती है एनर्जी की जो मॉडर्न फिजिक्स में यूज़ होती है। आपको समझ में आ रहा है? हाँ सर, बिल्कुल आ रहा है। अब हम आगे चलते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बड़ी क्या हो जाएगी? मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 MeV इज इक्वल टू 10⁻⁶ ईवी। MeV से बड़ी क्या हो जाएगी? BeV। 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसके बाद मैंने आपको मास का यूनिट बता दिया amu, एनर्जी का यूनिट बता दिया इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मास एंड एनर्जी आर क्लोजली रिलेटेड विद ईच अदर। न्यूक्लियर फिजिक्स की यही ब्यूटी है। न्यूक्लियर फिजिक्स में जो सबसे ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, आप देखो न्यूक्लियर फिजन एटम बम, न्यूक्लियर फ्यूजन हाइड्रोजन बम,
और एनर्जी प्रोड्यूस्ड इनसाइड द सन, ये सब न्यूक्लियर फिजिक्स का ही कमाल है। न्यूक्लियर फिजिक्स की वजह से ही बहुत ज़्यादा एनर्जी हमें मिलती है। न्यूक्लियर पावर प्लांट में एनर्जी बहुत रिलीज होती है, जिसकी वजह से जिसको यूज़ करके हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। अब स्टूडेंट्स, इसके पीछे रीज़न क्या है, मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है मास एनर्जी इक्वेशन। तो आइंस्टाइन साहब की जो मास एनर्जी इक्वेशन थी वो बहुत ही फेमस थी, और मार्केट में अगर आप जाएंगे तो E=mc² टी शर्ट भी आपको मिलेंगी, ठीक है, E=mc², दिस इज़ वेरी फेमस इक्वेशन। तो इस इक्वेशन का जो सिग्निफिकेंस था वो क्या था, आइंस्टाइन साहब ने ये बताया कि भाई जो एनर्जी हमारी प्रोड्यूस होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होने का जो कॉज है, एनर्जी प्रोड्यूस होने का जो रीज़न है वो मास है। मास इज कन्वर्टेड इंटू एनर्जी। इफ वी कंज्यूम सम मास, जैसे सिंपल सा एग्जाम्पल मैं आपको दूं, अगर आप कोयले को जलाएंगे, व्हेन कोल इज बर्न्ड देन हीट इज प्रोड्यूस्ड, कोयले को जलाने से हीट प्रोड्यूस होती है, तो कोयले को जलाने से हीट प्रोड्यूस होती है मतलब कोयले का मास खत्म हो गया। तो जितना कोयले का मास खत्म हो गया उसके हिसाब से आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्वेशन को यूज कर दो और कैलकुलेट द एनर्जी प्रोड्यूस्ड। सो E=mc² भी लिख सकते हैं और डेल्टा mc² भी लिखा जा सकता है। मतलब कहने का ये हो गया, दिस इज आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्विवेलेंस विच गिव्स द रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड मास। इफ डेल्टा m इज द मास यूज्ड और दिस इज द मास डिफेक्ट और दिस इज द डिफरेंस इन मास, कहीं पर अगर मास में कुछ डिफरेंस आ रहा है, जैसे मान लो कोई न्यूक्लियस है, किसकी न्यूक्लियस है, मान लो आयरन की न्यूक्लियस है, 20 ये हो गया आपका कार्बन का न्यूक्लियस है, 6C12 कार्बन का न्यूक्लियस हो गया, ये इसका एटॉमिक नंबर हो गया, ये मास नंबर हो गया, ठीक है। हम लिखते हैं ना कोई भी न्यूक्लियस को लिखने के लिए ZXA ये सिंबल हम यूज़ करते हैं, ओके। तो आप यहाँ पर देखो Z हो गया एटॉमिक नंबर 6, Z=6, दिस इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और A हो गया, A इज द मास नंबर विच इज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, दिस इज 12। तो अब इस न्यूक्लियस के बनने में क्या होता है, मैं आपको बहुत अच्छा रिलेशन बता रहा हूँ कि मास डिफेक्ट क्या होता है। यहीं पर मैं आपको टर्म बताऊंगा, मास डिफेक्ट, क्या मास डिफेक्ट। सो होता क्या है मास डिफेक्ट में, टू फॉर्म ए न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियंस आर कलेक्टेड इन ए स्मॉल साइज, ओके। मतलब न्यूक्लियस को बनाने के लिए जो न्यूक्लियंस हैं, कौन कौन है न्यूक्लियंस, प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन्स हैं, ठीक है, इसमें Z=6, N=P, सो न्यूट्रॉन कितना हो गया, 12-6, 6, मतलब 6 प्रोटॉन हो गए और 6 न्यूट्रॉन हो गए। तो न्यूट्रॉन तो पास आ सकते हैं कि भाई उन पर तो कोई चार्ज ही नहीं होता तो कोई भी रिपल्सिव फोर्स नहीं लगेगा, लेकिन प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से क्या होता है, वहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप जानते हैं ना, लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, तो उस रिपल्शन की वजह से प्रोटॉन को पास लाना बड़ा मुश्किल है। तो जब हम पास लेके आते हैं तो क्या होता है कि इनका जो इंडिविजुअल मास है, किनका मास डिफेक्ट, इन किस, देखो दो चीज़ें हैं, एक तो पूरी न्यूक्लियस है और एक न्यूक्लियस के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो होता क्या है कि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का टोटल मास है, द सम ऑफ द मासेस ऑफ द सम ऑफ द मासेस ऑफ द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द न्यूक्लियस इज ऑलवेज ग्रेटर देन द मास ऑफ द आइसोलेटेड न्यूक्लियस। देखो कैसे, इसके अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं, 6 प्रोटॉन है, तो डेल्टा एम कितना बनेगा, 6 प्रोटॉन का मास प्लस 6 न्यूट्रॉन का मास माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस बनी कैसे, न्यूक्लियस बनाने के लिए एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी कहाँ से आई, वो एनर्जी आई मास डिफेक्ट से। तो मास डिफेक्ट क्या होता है, मास डिफेक्ट इज द डिफरेंस इन मास ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द न्यूक्लियस एंड द मास ऑफ द न्यूक्लियस। मतलब न्यूक्लियस के जो पार्टिकल्स हैं, न्यूक्लियस के पार्टिकल्स कौन कौन से हैं, प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं,
टोटल प्रोटॉन का मास ऐड कर दो और न्यूट्रॉन का मास ऐड कर दो, उसमें से न्यूक्लियस का मास माइनस कर दो, तो ये हमारा आ जाएगा मास डिफेक्ट। अब इस मास डिफेक्ट में डिफरेंस आ गया, तो जब हमारे पास मास डिफरेंस आ गया, हमारे पास मास है, तो आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्विवेलेंस हम क्या निकाल सकते हैं, एनर्जी निकाल सकते हैं। और किसी भी न्यूक्लियस को बनाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, ये इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर से निकाला जा सकता है। अब स्टूडेंट्स आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर मैंने आपको मास ऑफ प्रोटॉन बता दिया इतना AMU, ठीक है, मास ऑफ न्यूट्रॉन बता दिया 1.0086 AMU, और न्यूक्लियस का मास आपको गिवन होगा, तो यहाँ पर कुछ आपका मास निकल के आ रहा होगा AMU में। तो अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट, बिल्कुल सीधा रिजल्ट बताने जा रहा हूँ, बिल्कुल आपको ट्रिक बताने जा रहा हूँ, जिससे आप सेकंडों में न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं एनर्जी से रिलेटेड। तो अगर अपने को मास डिफेक्ट AMU में मालूम है, तो हम सीधा एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं MeV के अंदर। देखो कैसे, इज इक्वल टू डेल्टा MC² में अगर मेरा मास डिफेक्ट 1 AMU का है, मतलब मैं ये कैलकुलेट करना चाहता हूँ कि मेरा 1 AMU मास डिफेक्ट में कितनी एनर्जी रिलीज होगी, 1 AMU मास डिफेक्ट में कितनी एनर्जी रिलीज होगी, तो मैंने क्या किया, मास डिफेक्ट 1 AMU ले लिया और आइंस्टाइन इक्वेशन इज इक्वल टू डेल्टा MC² यूज करना ही है मेरे को, तो डेल्टा MC² यूज करना है, तो डेल्टा M की वैल्यू 1 AMU लिखा, उसको किलोग्राम में कन्वर्ट किया, सी इज द स्पीड ऑफ लाइट और इसकी वैल्यू होती है 3×10⁸ m/s, ये एनर्जी आएगी जूल में। इसको अगर 1.6×10⁻¹⁹ से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, फिर 10⁶ से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगी MeV में। सो स्टूडेंट्स इस तरह से MeV में एनर्जी निकल के आ जाती है और ये आती है 931.25। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट स्टूडेंट्स, कि 1 AMU का मास डिफेक्ट, 1 AMU मास प्रोड्यूसेस 931.25 MeV ऑफ एनर्जी, और अप्रोक्सीमेटली 931 MeV, 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो 1 AMU इज इक्वलेंट टू 931 MeV, 1 AMU इज इक्वलेंट टू 931 MeV, 1 AMU का मास डिफेक्ट हमें 931 MeV के बराबर एनर्जी देगा। सो स्टूडेंट्स आपने ये देख लिया कि मास एनर्जी में क्या रिलेशन है, इज इक्वल टू डेल्टा MC², और साथ के साथ मैंने आपको ये भी बता दिया कि मास डिफेक्ट क्या होता है, मास डिफेक्ट क्या होता है। यहाँ पर मैं मास डिफेक्ट की डेफिनेशन भी आपको लिख देता हूँ, क्योंकि ये कई बार पूछ ली जाती है मास डिफेक्ट। ओके, सो मास डिफेक्ट अगर अपने को मालूम होगा तो हम सीधा न्यूमेरिकल मास डिफेक्ट की हेल्प से सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि मास डिफेक्ट अगर पता होगा तो मास डिफेक्ट AMU में गिवन होगा, 1 AMU पता है 931 MeV, तो जितना भी मास डिफेक्ट है, ठीक है, तो मास डिफेक्ट होता है हमारा डेल्टा M, दिस इज द डिफरेंस इन मास ऑफ constituent of nucleus and mass of nucleus, ठीक है, वो मैंने वहां एक्सप्लेन कर दिया। सो डेल्टा M इज इक्वल टू, देखो मान लो कोई भी न्यूक्लियस है ZXA, ठीक है, तो कितने प्रोटॉन हो गए, ZMP, जेट प्रोटॉन हो गए, तो जेट प्रोटॉन का मास ZMP, प्लस न्यूट्रॉन कितने हो गए, A-ZMN, ठीक है, ये तो क्या हो गया, कॉन्स्टिट्यूएंट्स का मास हो गया, जितने भी प्रोटॉन्स हैं उनका मास प्लस जितने भी न्यूट्रॉन्स हैं उनका मास माइनस मास ऑफ इंडिविजुअल न्यूक्लियस, दिस इज मास डिफेक्ट। और अब मान लो डेल्टा M कुछ मास डिफेक्ट न्यूमेरिकल में कैलकुलेट करके आएगा AMU में, तो एनर्जी कितनी रिलीज होगी, डेल्टा M इंटू 931.25 MeV, इससे हमारी एनर्जी निकल के आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, सो इस तरह से हमने मास डिफेक्ट, मैंने आपको बताया
यूनिट ऑफ मास AMU, यूनिट ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, रिलेशन बिटवीन मास एंड एनर्जी, मास डिफेक्ट, और उस मास डिफेक्ट का यूज़ करते हुए एनर्जी कैसे कैलकुलेट की जा सकती है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक अपना करने जा रहे हैं, दैट इज साइज ऑफ द न्यूक्लियस, दैट इज साइज ऑफ द न्यूक्लियस, कि भाई न्यूक्लियस का जो साइज है वो क्या होता है, वॉट इज द साइज ऑफ द न्यूक्लियस। ओके, तो साइज ऑफ द न्यूक्लियस के लिए देखो, रदरफोर्ड का जो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था उसका अचीवमेंट ही ये था कि उसमें न्यूक्लियस के साइज को डिटरमिन किया गया, और NCERT की बुक में क्लियरली लिखा हुआ है कि भाई न्यूक्लियस का साइज 10^-15 मीटर होता है, ठीक है, ऑर्डर का मतलब जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है वो 10^-15 मीटर है, ठीक है। तो ये करते हैं हम साइज ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। देखो, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड न्यूक्लियस इज कंसिडर्ड एज स्फेरिकल। जो न्यूक्लियस का जो शेप है, हम स्फीयर लेते हैं, तो न्यूक्लियस का साइज उसकी रेडियस पर डिपेंड करता है, और रदरफोर्ड साहब ने अपने एक्सपेरिमेंट में ये कंक्लूजन निकाला कि रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू power 1/3 ऑफ मास नंबर। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, ओके, इफ न्यूक्लियस इज कंसिडर्ड स्फेरिकल, ठीक है, देन दिस रेडियस डिपेंड्स ऑन मास नंबर। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, इफ न्यूक्लियस इज एज्यूम्ड टू बी स्फेरिकल, इफ न्यूक्लियस इज एज्यूम्ड टू बी स्फेरिकल, देन रेडियस डिपेंड्स ऑन मास नंबर। इसके हिसाब से मतलब न्यूक्लियस को हम स्फेरिकल कंसीडर करते हुए जो न्यूक्लियस का रेडियस है वो उसके मास नंबर की power 1/3 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है स्टूडेंट्स, सीधा क्वेश्चन आ जाता है वन मार्क में सीधा क्वेश्चन क्या आता है कि आपको दो न्यूक्लियस दे दिया, एक का मास नंबर 27 है, दूसरे का 64 है, आपसे कहा कि भाई इनकी रेडियाई का रेशियो निकालो, तो 27/64 की power 1/3 करेंगे तो कितना आ गया, 3/4 आ गया सीधा। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, और यहाँ से R = कितना आ जाएगा, R0 a^1/3। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, न्यूक्लियस की रेडियस न्यूक्लियस के मास नंबर की power 1/3 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। R = a^1/3, और यहां पर कांस्टेंट आ गया R0, और R0 की वैल्यू होती है 1.2 × 10^-15 मीटर, 1.2 × 10^-15 मीटर। ओके, और मैंने न्यूक्लियस का आपको आइडिया दे दिया, इस तरह से न्यूक्लियस को हम रिप्रेजेंट करते हैं, जेड हो गया नंबर ऑफ प्रोटॉन और ए हो गया नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहां पर, यू विल श्योरली फैसिनेट, आपको बहुत अच्छा लगेगा, मैं ये कह रहा हूं कि न्यूक्लियस का जो साइज है वो मास नंबर की power 1/3 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन जो न्यूक्लियस की डेंसिटी है वो कांस्टेंट होती है, वो किसी पे डिपेंड नहीं करती है। न्यूक्लियस साइज डिपेंड्स ऑन द मास नंबर ऑफ द न्यूक्लियस, बट न्यूक्लियस डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। न्यूक्लियस डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ एवरीथिंग। आपसे मान लो रेशियो पूछा जाए R1/R2 = a^1/a^2 power 1/3। अब यहाँ पर यहीं से मैं एक और रिजल्ट आपको बताऊँगा, और वो है न्यूक्लियर डेंसिटी, ठीक है। तो डेंसिटी तो आप जानते ही हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ओके भाई, न्यूक्लियर डेंसिटी क्या हो जाएगी, दिस इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस, मास अपॉन वॉल्यूम। अब मास किसका, न्यूक्लियस का मास क्या होएगा, उसके न्यूक्लियॉन्स का मास, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स तो ए है ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। मान लो एक न्यूक्लियॉन का मास एम है, तो ए न्यूक्लियॉन्स का कितना हो जाएगा, एम ए। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास ऑलमोस्ट सेम होता है, ये मैंने आपको बता दिया, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास ऑलमोस्ट सेम होता है। तो अगर एक न्यूक्लियॉन का मास m है, तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स तो मास हो गया m a, वॉल्यूम कितना हो गया,
फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब, ठीक है। सो ये हो गया थ्री एम ए अपॉन फोर पाई, आर की जगह क्या लिख दें, आर नॉट ए की पावर वन बाई थ्री क्यूब। सो ये कितना आ गया, थ्री एम ए अपॉन फोर पाई आर नॉट क्यूब, ए ए से ए कट गया। अब यहाँ सब कुछ कांस्टेंट है, व्हाट इज एम, एम इज़ द मास ऑफ न्यूक्लियन। तो अगर मैं इसकी वैल्यू पुट करता हूँ तो ये हो गया 3 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर -27 न्यूक्लियन का मास प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का। पाई की वैल्यू 3.14, आर नॉट 1.2 इंटू 10 की पावर -15 का क्यूब। तो ये सॉल्व करके आपका आएगा 2.29 इंटू 10 की पावर 17 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, जो कि कांस्टेंट है सभी न्यूक्लियस के लिए। 2.29 इंटू 10 इज पावर 17 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, मतलब न्यूक्लियस की डेंसिटी सेम होती है, जितनी भी न्यूक्लियाई हैं उन सब की डेंसिटी सेम रहेगी स्टूडेंट्स। तो मतलब अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, सेम फॉर ऑल न्यूक्लियाई, सेम फॉर ऑल न्यूक्लियाई। सो मतलब क्या होता है, जितनी भी न्यूक्लियस है उन सबका साइज तो अलग अलग है, उन सबकी रेडियस तो अलग अलग है, लेकिन सभी न्यूक्लियस की डेंसिटी सेम है। तो एक वन मार्क का क्वेश्चन आता है कि देर आर टू न्यूक्लियाई विच हैव मास नंबर 27 एंड 64, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई एंड आल्सो फाइंड द रेशियो ऑफ देयर डेंसिटी। तो डेंसिटी का रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1, डेंसिटी का रेशियो 1, क्योंकि दोनों का डेंसिटी सेम है, दोनों न्यूक्लियाई का डेंसिटी सेम है, तो डेंसिटी का रेशियो कितना हो गया 1। रेडियस का कितना हो जाएगा, 27 अपॉन 64 की पावर 1/3, तो ये आ जाएगा 3/4। सो स्टूडेंट्स इस तरह से आज की क्लास में मैंने आपको क्या बताया, न्यूक्लियस का कंपोजिशन आपको बताया, और दो इंपॉर्टेंट यूनिट AMU और इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उन दोनों में रिलेशन, एनर्जी और मास का रिलेशन, मास डिफेक्ट, न्यूक्लियस का साइज, न्यूक्लियस की डेंसिटी, ये सब हमने किया। अब इसमें थोड़ा सा और टॉपिक बचा है, दैट इज़ न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूज़न और न्यूक्लियर फोर्सेस, तो वो हम अगली क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।